आपका नियम है वाच बेयर में से वाच सब्जेक्ट हो गया ही, ये हो गया नॉट, फर्स्ट फॉर्म हो गया अब आईएनजी ग्रो ग्रोइंग, ऑब्जेक्ट है वीट, हियर से कोई मतलब नहीं है। पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, वाच बेयर में से वाच, ऑब्जेक्ट आपका हो गया वीट, उसके बाद नॉट होना चाहिए तो नॉट, फिर बींग होना चाहिए तो बींग, और वी थ्री आपका हो जाएगा ग्रोन बाई हिम। तो इस तरह से आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अगर मान लिया शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को हम लिख लेंगे, जैसे व्हाई वेयर यू नॉट हेल्पिंग मी, क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड है वाई, तो वाई को ऐसे लिख देंगे, ये मी को इधर लाना है इसलिए वाज बियर की जगह पर वाज, मी बदल गया आई में, ऑब्जेक्ट आपका हो जाए नॉट, नॉट के बाद बींग, थर्ड फॉर्म आपका हेल्प का, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है, बाई सब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो इस तरह ये हो गया एक्टिव और ये हो गया पैसिव, इस तरह आप इसको बना सकते हैं। और होमवर्क हम भेज देंगे, फिर आप लोग उसको हल कीजिएगा।